अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं समीर रिजवी। आज हम पाकिस्तान के जदीद और दूरमार मिसाइल शाहीन 2 पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो वापस आते हैं शाहीन 2 की तरफ। शाहीन 2 भी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का एक MRBM मिसाइल है। MRBM मींस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान ने शाहीन 2 के टेस्ट 2000 से लेकर 2004 तक के दरमियान किए और बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक प्लान 7 को ये 2004 को सौंप दिए गए। 2004 से लेकर आज तक ये मिसाइल ऑपरेशनल है और इसे पाक आर्मी की मिसाइल रेजिमेंट जिसे स्ट्रेटेजिक प्लान 7 कहते हैं वही इसे ऑपरेट करती है। दोस्तों, अगर हम इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर है। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान का ये मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक मार करने की सलाहियत रखता है। अगर इस मिसाइल की हाइट की बात करें तो यह मिसाइल 17.2 मीटर हाई है, यानी इसकी लंबाई 17.2 मीटर है। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो ये 1.4 मीटर है। ये बुनियादी तौर पे ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। अगर इसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात करें जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम बेसिंग भी कह सकते हैं तो ये भी टेल के ज़रिए फायर किया जाता है। टेल मींस ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, यानी इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। अगर इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान का ये जदीद मिसाइल GPS सिस्टम के ज़रिए ऑपरेट होता है, यानी एक मुकम्मल तौर पे ये गाइडेड मिसाइल है जो अपने टारगेट पे पूरी तरह से जाकर हिट करता है और इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर इसके वॉरहेड्स की बात करें तो ये कन्वेंशनल वेपन्स भी लेके जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जाने की सलाहियत भी रखता है। इस मिसाइल का लॉन्चिंग वेट 23,600 किलोग्राम है। अगर पेलोड ले जाने की हम बात करें तो ये मिसाइल अपने साथ 700 kg का पेलोड लेके जा सकता है। वो एटम बम भी हो सकता है, वो रिवायती हथियार भी हो सकती है। यानी ये मिसाइल अपने साथ 700 किलोग्राम का गोला बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।